जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबका मिशन शिक्षा संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में स्वागत है। आइए सामान्य विज्ञान में शीट नंबर 33 को देखेंगे, जिसमें भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में समझेंगे तथा मंत्रालय के चारों विभागों के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ थल सेना, जल सेना और वायु सेना के बारे में हम अच्छे ढंग से समझेंगे। आइए इसको समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। सभी प्यारे बच्चों का मिशन शिक्षा संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में स्वागत है। बच्चों हम लोग हर बुधवार को मिलते हैं और अपने सामान्य विज्ञान से संबंधित जो भी प्रकरण रहते हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो बच्चों, इस बार जो आपका शीट नंबर है वो है शीट नंबर 33, जिसमें हम लोग भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा। बच्चों, जो हमारी देश की सुरक्षा होती है वो कैसे होती है, उसके पीछे कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन सी सेना काम करती है और जो भी अधिकारी होते हैं उनकी रैंक क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग शीट नंबर 33 में देखेंगे। बच्चों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं अब अगले सेशन की आने वाली है, तो आप लोग सभी लोग फिर से तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए शीट नंबर 33 को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा की, तो किसी भी देश की सुरक्षा में उनकी जो सेना होती है उसका अहम योगदान होता है, उनका विशेष योगदान होता है। भारतीय सेनाओं को सशक्त सेनाओं के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सशक्त सेनाओं के नाम से जाना जाता है। और भारतीय सशक्त सेनाओं का सर्वोच्च जो कमान होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च कमान उनके पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व किसके पास होता है? मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है बच्चों? बिल्कुल सही, राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो जो रक्षा मंत्रालय से इसका निर्वहन किया जाता है वो सशक्त बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा और जानकारियां प्रदान करता है। ये इनका काम होता है। रक्षा मंत्रालय जो होते हैं बच्चों, उनके चार विभाग होते हैं। कितने होते हैं रक्षा मंत्रालय के? चार विभाग होते हैं। पहला होता है रक्षा विभाग, दूसरा होता है रक्षा उत्पादन विभाग, तीसरा होता है रक्षा शोध तथा विकास संगठन और चौथा होता है बच्चों भूतपूर्व सेवा कर्मी कल्याण विभाग। ये चार विभाग होते हैं, इनको इंग्लिश में भी जानते हैं बच्चों। पहला होता है डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। फिर होता है डीडीपी, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, तीसरा होता है डीईएसडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। और चौथा होता है डीआरडीओ, जो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चार मैंने आपको जो रक्षा मंत्रालय के विभाग थे उनके बारे में बताया कि रक्षा मंत्रालय के चार विभाग हैं। इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया कौन कौन से थे, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा शोध तथा विकास संगठन और भूतपूर्व सेवा कर्मी कल्याण विभाग। ये चार विभाग हो गए। ठीक है, तो आइए फिर थोड़ा और समझते हैं बच्चों। जो सेना होती है वो कमानों में संगठित होती है। कहाँ संगठित होती है? कमानों में संगठित होती है। प्रत्येक कमान का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कमांडिंग इन चीफ होता है। कौन होता है? कमांडिंग इन चीफ होता है। कमान क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में बटे रहते हैं, जो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? जनरल और ब्रिगेडियर के अधीन होते हैं। तो ये तो बच्चों बात की हम लोगों ने भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में। आइए थोड़ा समझते हैं कि सेना में जो पद की श्रेणियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय सशक्त सेना को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना, ये तीन भागों में इनको बांटा गया है। तो अब इनमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों थल सेना के बारे में बात करते हैं। जो हमारी थल सेना होती है उसमें सबसे पहले आते हैं जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, मार्शल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। ये किसमें है? थल सेना में, ये इनकी श्रेणियां हैं। ठीक है, सबसे ऊपर होते हैं जनरल और सबसे जो नीचे कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट। जब हम नौसेना की बात करते हैं बच्चों तो उसमें होते हैं एडमिरल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एडमिरल होते हैं, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, फिर कमांडर, फिर कैप्टन,
फिर कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर होते हैं सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, कौन सबसे ऊपर होता है? एडमिरल होता है और सबसे नीचे में आते हैं सब लेफ्टिनेंट। लेकिन ये भी पोस्ट काफी बड़ी होती है और ये हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। फिर आता है वायुसेना। वायुसेना में सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर कमोडोर, फिर ग्रुप कैप्टन, फिर विंग कमांडर, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फिर होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। ये सारी श्रेणियां होती है बच्चों, सेना में जो पद होते हैं उनकी श्रेणियां होती हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद सोचना होगा क्योंकि ये वीडियो आपने देखा है। तो आइए बात करते हैं बच्चों कि जो हमारे भारतीय सशस्त्र सेना होती है वो कितने भागों में बटी है। तो बिल्कुल तीन भागों में बटी है। कौन कौन सी? हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना। उसके बाद है कि रक्षा मंत्रालय के कितने विभाग हैं? आपको बताना होगा कि रक्षा मंत्रालय के कितने विभाग हैं? बिल्कुल सही, रक्षा मंत्रालय के चार विभाग हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो डीओडी, डीडीपी, डीईएसडब्ल्यू और डीआरडीओ, ये इनके चार विभाग हैं। अगर हिंदी में बात करें तो रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा शोध तथा विकास संगठन, भूतपूर्व सेवा कर्मी कल्याण विभाग, ये इनके चार विभाग है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि हमारे देश की सुरक्षा कैसे होती है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और किस प्रकार से, कितने कठिन परिश्रम से हमारे देश की सेवा ये लोग मिलकर करते हैं। तो बच्चों ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनकी श्रेणियों से क्वेश्चन आते हैं, कितने भागों में बांटा गया है इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा और इसको बार बार रिवीजन करना होगा। मैं बार बार आपको बताती हूँ बच्चों कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसका एक छोटा सा नोट्स भी बना ले, ताकि आप ये जब भी आप किसी एग्जाम में बैठे तो आपके काम आए। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में।